बिरयानी जो कराची की मशहूर बिरयानी है वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने लिया है 1.5 किलो गोश्त लिया है और 1.5 किलो ही चावल है हमारे सेना चावल। 1.5 किलो गोश्त है, 1.5 किलो चावल है और 1 किलो इसमें आलू डलेंगे। आलू मैंने उबाल लिए कलर और नमक डाल के और 1/2 किलो टमाटर है, 1 प्याली अदरक लहसुन का पेस्ट है और तकरीबन 4 प्याज हैं पिसी हुई और ये गरम मसाला सारा ये भगाड़ में जाएगा। अभी थोड़ी सी काली मिर्च है, जीरा है, 2 तेज पत्ते है, बादियान है, दालचीनी है, थोड़ी सी लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 छोटी इलायची हैं। ये अभी मैं डालूंगी। मैंने प्याज फ्राई कर ली है, ये देखिए मैंने प्याज फ्राई कर ली है कि ये प्याज बाद में डालेगी। प्याज फ्राई करके निकाल ली है, अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ। मैं जैसे जैसे डालती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्याज डाल करके निकाल ली है, उसका तेल है ये हमारे पास और फिर इसमें ये वाले मसाले डालने खड़े थे। ये मैंने 2 चमचे नमक लिया है खाने के और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये बिरयानी मसाला है, ये 1 चमच बड़ा कुटी हुई लाल मिर्च है और 2 चमचे पीसी लाल मिर्च है, 1 चमच बड़ा हल्दी है और 2 चमचे धनिया पाउडर है। ये खुश्क मसाले हैं इसमें जाएंगे और ये लींबू 4 अदद लींबू है, थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये सब जाएंगी। ये सारा कोरमे का है, गोश्त का। ये मसाले जो है खुशबू के हैं, ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये लौंगे हैं 15 के करीब, थोड़ा सा जीरा है, 3 बड़ी इलायची हैं और ये सब्जी इलायची हैं 9 और ये जायफल है, पूरा एक जायफल है ये, और ये दालचीनी है, तेज पत्ता है। ये सब हम इसको पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे इसको और ब्लेंड करके डालेंगे। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे और गोश्त को अच्छी तरह से हम सोते कर लेंगे। ये अब मैं इसमें ये मसाले खुश्क मसाले डाल दूंगी। ये जो इसमें थोड़ा सा प्याज का पानी है सब इसमें हो जाएगा, इसे हमें भूनते वक्त पानी ही डालना पड़ेगा क्योंकि मसाले जल्दी जलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें प्याज का पानी पहले ही भून था थोड़ा। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। माशाल्लाह से हमारा कोरमा बन रहा है बिरयानी का और अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। ये 1/2 किलो टमाटर है तो चावल के लिए अलग से टमाटर डालूंगी। मैं बताना भूल गई थी, मैं समझी सिर्फ 1.5 किलो गोश्त है, लेकिन बाकी जो मेरा बेटा लेकर आया था गोश्त तो उसने बताया नहीं 2 किलो गोश्त था।
खुशबू के मसाले पीसे थे हमने, ये अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। थोड़ा सा बचा के हम चावल डालने की जगह ऐड करें। और ये हरी मिर्चे नींबू है, हरी मिर्चे ऐड कर दे रहे हैं, नींबू थोड़ी देर में ऐड करेंगे। और हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, प्योर वही पानी है इसका, टमाटो का उसी पानी में पक रहा है हमारे। और ये हम नींबू भी थोड़े से आधे डालते हैं, आधे हम नींबू चटनी में डालेंगे, मसाले में डालेंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे। हमारा बिरयानी का कोरमा तैयार हो गया है। अब हम इसे, ये हमारा डन हो चुका है। ये देखिए व्यूअर, ये हमारे 1.5 किलो चावल है और ये 2 घंटे भीग गए हैं, ठीक है। और ये आलू बुखारे हैं, ये मिर्ची है, नींबू है, 1 किलो आलू है उबले हुए, इसमें नमक मैंने डाला था और कलर ऐड कर दिया था। और ये तली हुई प्याज है और ये गरम मसाला है, इसमें 2 तेज पात है, 3 बड़ी इलायची है, 5 बादियान के फूल है, और ये इलायची है 18 से 20 अदद, ये स्टिक है, दालचीनी 4 अदद, और ये जायफल है, और ये छोटी काली मिर्च है, और ये जीरा है। ये सब हम इसमें डाल देंगे, पानी को खुलाएंगे। और ये टमाटर हमने 1/2 किलो टमाटर फोरमे में डाल दिए थे और 1/2 किलो टमाटर ये है। और ये पुदीना हरा धनिया है 1-1 गड्डी। पानी में खोल आने तक के खोल आएगा जब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और इसमें नमक हम डाल चुके हैं, फोरमे का नमक हम डाल चुके हैं, ये चावलों का नमक डाल दी हूँ। पानी के हिसाब से नमक डालते हैं, चावल के हिसाब से नमक डालेंगे तो नमक कम हो जाएगा तो बिरयानी का टेस्ट खराब। लिहाजा जितना पानी होगा हम पानी के हिसाब से नमक डालेंगे। ये 4 बड़े चमचे हमने नमक इसमें ऐड कर दिया। देखिए हमारे चावलों में उबाल आने लगा है हाँ पानी में। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे भीगे हुए। इसमें खड़े गरम मसाले और नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें ये आधे टमाटर डाल देंगे ताकि ये चावलों में भी टेस्ट बने, क्योंकि हम सब चीजें कोरमे में डाल देते हैं, गोश्त में तो टेस्ट आ जाता है लेकिन चावलों की तह जो होती है उसमें टेस्ट नहीं आता, वो फीके फीके उबले उबले से रहते हैं। तो ये चावलों में भी थोड़े से स्पाइसेस डालें ताकि उसमें भी वो टेस्ट आए। तो ये थोड़ा थोड़ा हम ये सब इसमें डालें, थोड़ी हरी मिर्चे, नींबू हम सारे डाल देते हैं, और 1 चम्मच सरका डालेंगे। ये 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। और इसे ढक दे रहेंगे।
देखिए क्योंकि हमारे चावल बॉइल हो गए हैं अच्छे से, अब हम इनको पसा देंगे, ये देखिए गल गए, और अब हम इनको पसा देंगे, तह लगाएंगे, ये देखिए हम इसकी तह लगा रहे हैं, माशाल्लाह से हम इसकी तह लगा रहे हैं ईयर्स। अब इसमें हम तली हुई प्याज डालेंगे, प्याज डालिए, इसे हरी मिर्च डालेंगे एक दो, आलू बुखारे, आलू बुखारे डालेंगे, पुदीना, ये हमारी एक तह हो गई। अब इसी तरह से हम दूसरी तह लगाएंगे, इसी चमचे से हम ले लेते हैं, अब इसमें हम ये डालेंगे, आलू भी ऐड करेंगे, आलू बुखारे, प्याज, हरी मिर्ची, ये देखिए हमारी तह टर्न हो चुकी हैगी, और देखिए आप कितनी खूबसूरत तह हुई है लगी इसकी, और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुशी होती है आप लोगों के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। अब इसमें हम येलो कलर ऐड कर देंगे, ये थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे, चावल तेज को बंद कर देंगे अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए व्यूअर, हमारी बिरयानी तैयार हो गई है, और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, जा रहे हैं कुछ रहे हैं, और मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।